सोलन के चंबा घाट की एक दवा कंपनी लीन्स में आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। आग लगने के कारणों सहित कितने का नुकसान हुआ है का पता नहीं चल पाया है। आग कंपनी की निचली मंजिल में लगी थी, जिसमें दवाइयों का केमिकल पेट्रोलियम जेली सहित ग्लिसरीन रखा हुआ था। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड विभाग को दी। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां टीम सहित पहुंची और करीब आधा घंटे में आग पर काबू पा लिया। यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो घटना और भी खतरनाक हो सकती थी। आग बुझाने अपनी टीम के साथ लीडिंग फायरमैन देवेंद्र दत्त ने बताया कि एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी की मदद से आग बुझाई गई है। उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्हें आग लगने की सूचना मिली, वे तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आग पर समय रहते काबू पाया। उन्होंने बताया कि यह केमिकल में आग लगने की वजह से यही बहुत खतरनाक हो सकती थी। हमें सूचना मिली कि चंबा घाट लीनस फैक्ट्री में, दवाई की फैक्ट्री में आग लगी थी केमिकल में, जिसे फायर क्रू ने 5 मिनट में पहुंचकर ही आग को 15 मिनट में समाप्त कर दिया, बुझा दिया, पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। ये आग केमिकल में लगी थी। हमने इसमें 4 फोम की कैनी डालकर टैंक में डालकर और ब्रांच को जोड़कर आग को केमिकल को पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। इसमें नुकसान का आंकलन किया जा रहा है।